तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उदित नारायण विश्वकर्मा और स्वागत है आप सब लोग का मेरे यूट्यूब चैनल उदित फार्मेसी पे। तो फ्रेंड्स, ये आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। यहाँ पे केवल बीएससी नर्सिंग के बारे में नहीं बात करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम तैयारी आप किस बुक से करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो लाइक आप जैसे नर्सिंग में, चाहे आप बीएससी नर्सिंग करें या फिर जेएनएम करें, जेएनएम तो बेसिक बैन होने वाला है बट अभी तक आप एडमिशन ले सकते हैं। तो चाहे आप बीएससी नर्सिंग हो या फिर जेएनएम हो, इसके अगर एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं आप नॉर्मल जैसे घर बैठे, या फिर अभी आप इंटरमीडिएट कर रहे हैं और चाहते हैं कि साथ में तैयारी करें, तो आप कुछ बुक का सहायता ले सकते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम बीएससी नर्सिंग के बारे में कुछ बेसिक से बात करें। जैसे कि अगर हम यहाँ पे मोस्ट बात करें तो टॉप जो है कि आपका बीएचयू बीएससी नर्सिंग हुआ, लाइक जैसे एम्स नर्सिंग, तो इस तरह के ये कुछ टॉप कॉलेज हैं फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है कि आप इन्हीं बुक के सहायता से, मतलब जो इस वीडियो में सजेस्ट करने वाले हो आपको कि इन्हीं बुक की सहायता से आप जो है स्टडी करते हैं तो आप जैसे कि बीएचयू बीएससी नर्सिंग या फिर एम्स नर्सिंग को क्वालिफाई कर जाएंगे। कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, बट क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पर क्रेज रहता है, बहुत ज़्यादा लोग मतलब कि लाइक जैसे कोचिंग सेंटर ज्वाइन करते हैं लोग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए, तो इतना तो इजी नहीं है, मुझे तो नहीं लगता है। बट अगर आप नॉर्मल बहुत से यूनिवर्सिटी हैं जिसके कि आप इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बीएचयू वगैरह की बात करें तो थोड़ा जो है कि इंडिया में टॉप ही आते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा जो है कि पब्लिक रहती है, ज़्यादा स्टूडेंट्स की संख्या रहती है, तो यहाँ पे थोड़ा मतलब इतना आसान नहीं रहता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ऐसे तो नॉर्मली आप लोग ये सोच के मतलब घबराइएगा नहीं कि ऐसे एंट्रेंस एग्जाम तैयारी के लिए हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं तो क्या नॉर्मल नहीं होता है क्या? तो फ्रेंड्स नहीं, बिल्कुल होता है, आपको ऐसी चिंता की कोई बात नहीं। अगर आप नहीं करना चाहते हैं या फिर आप मतलब कि मैं अच्छे कॉलेज की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, और बहुत से मतलब ठीक ठाक कॉलेज हैं जो कि आपको जहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है, बीएससी नर्सिंग हो गया, फिर जेएनएम एएनएम, ये सभी कोर्सेस में, नर्सिंग के जितने भी कोर्सेस हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप तैयारी करना चाहते होंगे इंटरमीडिएट साथ में, तो फ्रेंड्स आप ये दोनों बुक का सहायता ले सकते हैं, आप हिंदी या फिर इंग्लिश। जैसे कि ये 470-75 रुपये के लगभग आपको बुक मिल जाएगी, और अभी कुछ परसेंट इसमें डिस्काउंट चल रहा है अगर हम ऑनलाइन आप अमेजोन से लाइक परचेज करते हैं तो। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ इसमें सब फ्रेंड्स। जो है कि ये दोनों बुक में क्या है कि ये दोनों एक ही बुक है, बट लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश है। अगर जो लाइक कि जिसको हिंदी पसंद है, जो हिंदी जिसको अच्छे समझ में आती है वो हिंदी में अपना स्टडी करे, और जिसको इंग्लिश वो इंग्लिश में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा एंट्रेंस एग्जाम जो होता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन रहता है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों आप जो आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं अपने हिसाब से। इसमें लगभग 3000 क्वेश्चन हैं जो कि रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं, और जो है कि आपको इसमें 3 सेट मिलता है जो कि क्वेश्चन पेपर आपको तैयारी के लिए आप उसे रिवाइज कर सकते हैं, ठीक ठाक आपको हेल्प मिल जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स, आप चाहें तो ये बुक भी ले सकते हैं, दोनों अगर ले लेंगे, एक ना जैसे कि एक अरिहंत वाला लीजिए आप, जैसे इंग्लिश या फिर हिंदी जो आपको अच्छा लगे, और ये किए तो आप ऐसे नॉर्मल बहुत से एंट्रेंस एग्जाम जो बहुत से यूनिवर्सिटी के हैं नॉर्मल, तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं। इसमें मैं नाम किस किस यूनिवर्सिटी का लूँ और किस किस स्टेट में, बहुत से हैं, तो आप जिसका भी तैयारी करना चाहते हैं नॉर्मली तैयारी कर सकते हैं ये सब बुक की सहायता से फ्रेंड्स। ऐसे तो कोचिंग सेंटर अगर नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो, बट क्या कोचिंग सेंटर तो बहुत हैं, आप जानते होंगे कि इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए बीएससी नर्सिंग की हम बात करें खास तौर से, तो बहुत से कोचिंग सेंटर आपको मिल जाएंगे जो कि तैयारी करवाते हैं फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में यही कुछ रहा फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।